हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। सो फ्रेंड्स, आज हम लाइव नहीं नॉन लाइव एक्शन रोमांटिक मूवी देखेंगे जिसका नाम है गार्डन ऑफ वर्ड्स। ये मूवी 2013 की जापानीज एनिमी फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया था मोकातो शिंकाई ने। अब क्योंकि रोमांटिक शादी विवाह का माहौल है, इसलिए हमने रोमांटिक मूवीज कवर करने का डिसाइड किया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग होती है टोक्यो सिटी से, जहां अभी बारिश का मौसम रहता है और लोग अपने काम काजों में काफी बिजी रहते हैं। इन लोगों के बीच हमारी मुलाकात होती है तकाओ आकीजुकी से, जो कि 15 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है। साथ ही वो अपना करियर शू मेकर यानी शू डिजाइनिंग में जाना चाहता था। तकाओ को बारिश काफी पसंद रहती है, इसलिए जब भी बारिश होती है वो अपने क्लास मिस करके शिंजुकु गोयोन के गार्डन में जाता है और शू के डिजाइन कॉपी में बनाता रहता है। लेकिन इस बार एक चेंज था, क्योंकि गार्डन में उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम युकेरी युकिनो रहता है, जो 27 ईयर ओल्ड वुमेन थी। वो भी अपना वर्क मिस करके यहाँ आई हुई थी, बिकॉज उसे भी तकाओ की तरह बारिश अच्छा लगता था। खैर, तकाओ अपना डिजाइन बनाता रहता है एंड युकिनो बियर पी रही थी। थोड़ी देर के बाद युकिनो तकाओ से एक पोयम बोल के वहाँ से चली जाती है, जिससे तकाओ काफी कंफ्यूजन में रहता है क्योंकि उसे पोयम का ओरिजिन और मीनिंग नहीं पता था। घर आने के बाद तकाओ किचन में काम करता रहता है और उसका बड़ा भाई शोता से हमें मिलवाया जाता है, जो तकाओ को इन्फॉर्म करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड घर में शिफ्ट हो रही थी, जिसकी वजह से उनकी मॉम रेमी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहेगी। खाना खाने के बाद तकाओ अपने भाई से युकिनो के कहे गए पोयम का मतलब पूछता है, लेकिन शोता को उसका मीनिंग समझ में नहीं आता, दैट्स व्हाई वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस दिन बारिश नहीं होती तकाओ उस दिन स्कूल जाता है, जो कि उसके लिए काफी बोरिंग रहता है। बट अगले दिन फिर से बारिश गिरता है एंड वो अगेन गार्डन में जाता है शू डिजाइन बनाने के लिए। गार्डन में पहुंचते ही उसे अगेन युकिनो दिखाई देती है। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चालू होता है और हमें पता चलता है कि युकिनो भी बारिश के टाइम अपना वर्क छोड़कर यहीं आती है। इस तरह वो कंटिन्यूसली बारिश की सुबह गार्डन में आते हैं और सोशलाइज करते रहते हैं, बट अभी तक फॉर्मली एक दूसरे से इंट्रोड्यूस नहीं करवाए थे। इवन तकाओ को उसका नाम भी नहीं पता था। तकाओ और युकिनो रेगुलर मिल रहे थे, इसलिए तकाओ उसे अपने शू मेकर का ड्रीम बताता है। प्लस हमें ये भी पता चलता है कि तकाओ पार्ट टाइम जॉब भी करता है एंड अपने ड्रीम्स में भी काम करता रहता है। तकाओ समवेयर युकिनो से अट्रैक्ट होने लगता है और उसके बारे में जानना चाहता था। रही बात युकिनो की, तो वो किसी बात से काफी अपसेट रहती है, इसलिए वो अपना वर्क छोड़कर गार्डन में जाती है जहाँ तकाओ बैठा हुआ था। दोनों आपस में लंच करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि युकिनो खाना बनाने में एक्सपर्ट नहीं थी। इस बात पर तकाओ उसे छेड़ता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें तकाओ के पास चाइल्डहुड मेमोरी दिखाया जाता है, जिसमें तकाओ शोता एंड रेमी का हस्बैंड रेमी के बर्थडे के लिए गिफ्ट में एक ब्यूटीफुल शू देते हैं और तभी से तकाओ शू मेकर बनने का डिसाइड करता है। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ तकाओ सोया हुआ था और युकिनो जाने की तैयारी करती है। घर पहुंचने के बाद युकिनो एक आदमी से बात करती है, जिसमें ये रिवील होता है कि युकिनो अपने हस्बैंड सोचिरो इतो से बात कर रही थी। कन्वर्सेशन के दौरान हमें ये भी पता चल जाता है कि वो दोनों अब साथ नहीं है, प्लस युकिनो को टेस्ट डिसऑर्डर भी है, जिसके चलते उसे फूड्स के टेस्ट समझ में नहीं आते। ताजुब की बात ये रहती है कि युकिनो ने सोचिरो से झूठ बोलती है कि वो गार्डन में एक ओल्ड लेडी से मिलती है। एनीवे, अगली सुबह अगेन बारिश होती रहती है एंड युकिनो उसी गार्डन में जाती है जहाँ तकाओ बैठकर डिजाइन बना रहा था। इस बार युकिनो शू मेकिंग का एक बुक देती है एज अ गिफ्ट, ताकि तकाओ अपने ड्रीम से वर्क कर सके। बुक देकर तकाओ काफी खुश हो जाता है। अब क्योंकि वो ऑलरेडी एक लेडी शू पे वर्क कर रहा था, इसलिए युकिनो के पैर का नाप लेता है ताकि वो उसके लिए शू डिजाइन कर सके। समय बीतता है एंड बारिश गिरना बंद हो जाता है, जिस तरह तकाओ रोज स्कूल जाने लगता है और पार्ट टाइम वर्क में बिजी रहने लगता है। रही बात युकिनो की, तो वो भी उस प्लेस में थोड़े देर के लिए होने के लिए आती है, बट बारिश ना गिरने की वजह से वो मजा नहीं आ रहा था। युकिनो और तकाओ एक दूसरे को काफी मिस करने लगे थे। तकाओ वापिस अपने पढ़ाई वगैरह में बिजी होने लगता है कि एक दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हुए कॉरिडोर से गुजर रहा था कि अचानक उसके सामने से युकिनो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं एंड दिस इज द टाइम जब युकिनो को पता चलता है कि तकाओ यहाँ पढ़ता है। प्लस तकाओ भी हैरान रहता है कि वो उसकी स्कूल टीचर है। इतने में हम देखते हैं कि स्कूल की कुछ लड़कियां युकिनो को स्कूल छोड़ने से मना करती है, बट उसे जाना ही पड़ता है। तकाओ कुछ समझ नहीं पाता, देन उसके फ्रेंड सातो और मत्सुमोतो बताते हैं कि थर्ड ईयर के कुछ स्टूडेंट्स की वजह से युकिनो मैम को बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। सुनने में आ रहा है कि एक लड़की का बॉयफ्रेंड युकिनो मैम को पसंद करता था, जिसके चलते वो लड़की पूरे स्कूल में रूमर फैला दी थी। प्लस ये खबर बाकी स्टूडेंट्स यहाँ तक कि पेरेंट्स को भी पता चल गया था, इसलिए युकिनो को स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। ये सब सुनकर तकाओ को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उन बच्चों से मिलने जाता है और लड़ाई कर बैठता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि तकाओ, जिसे
लड़ाई की वजह से चोट आई हुई थी गार्डन में जाता है क्योंकि बहुत तेज बारिश होने वाली है। हालांकि बेंच में युकिनो दिखाई नहीं देती, इसलिए तकाओ गार्डन के दूसरे एरिया में जाता है जहां युकिनो खड़ी हुई थी। आते साथ तकाओ युकिनो का पोयम जो उसने स्टार्टिंग में सुनाया था उसका जवाब देता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि युकिनो क्लासिक लिटरेचर की टीचर है और ये पोयम क्लासिक लिटरेचर के अंदर है। जवाब सुनकर युकिनो हैरान होती है क्योंकि युकिनो के पोयम का मतलब था कि अगर बारिश होगा तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे, एंड तकाओ जवाब देता है कि बारिश हो या ना हो वो हमेशा यहीं रहेगा। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है कि अचानक तेज बारिश होने लगती है जिससे वो दोनों भींग जाते हैं। देन हम देखते हैं कि बारिश कम होने के बाद तकाओ युकिनो के साथ उसके अपार्टमेंट में जाता है टाइम स्पेंड करने के लिए, जब तक तकाओ का शर्ट सूख नहीं जाता। अपार्टमेंट में दोनों एक ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करते हैं। मौका देकर तकाओ युकिनो से कन्फेस करता है कि वो उसे प्यार करने लगा है, बट युकिनो तुरंत मना कर देती है क्योंकि वो उसकी टीचर है। साथ ही युकिनो बताती है कि वो अगले हफ्ते अपने होम टाउन चली जाएगी। देन हम देखते हैं कि युकिनो तकाओ को थैंक यू बोलती है हर चीज के लिए। ये सब सुनकर तकाओ काफी दुखी हो जाता है और वो भी थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही युकिनो रोने लगती है, तकाओ के आंसर्स याद करने लगती है। वो तुरंत कमरे से बाहर दौड़ते हुए नीचे जाती है। वो इतनी तेजी से दौड़ती है कि युकिनो एक बार गिर भी जाती है, बट फिर भी दोबारा उठती है और कंटिन्यूसली भागते हुए जाती है तकाओ से मिलने के लिए जो वहाँ खड़ा हुआ था। युकिनो को देखकर तकाओ चिल्लाने लगता है और कहता है कि वो उसे प्यार नहीं करता है, वो अपने सपनों के बारे में नहीं बताता अगर उसे पता चलता है कि वो एक टीचर है। प्लस वो ये भी बोलता है कि युकिनो खुद के बारे में कुछ नहीं सोचती। ये सब सुनकर युकिनो एकदम इमोशनल होती है और दौड़ते हुए तकाओ को गले लगाती है। युकिनो तकाओ से कन्फेस करती है कि वो रोज तैयार होकर स्कूल जाती है, लेकिन तकाओ और उस गार्डन ने दोबारा चलना सिखाया है एंड उसे इस मुसीबत से बचाया। बातें करते करते दोनों के आंखों में आंसू आ जाता है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि तकाओ मुश्किल से अपना फाइनल एग्जाम पास करता है, बट स्टिल अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करता रहता है। दूसरी तरफ युकिनो अपने होम टाउन शिकागो में जाती है एंड अपना टीचिंग वर्क दोबारा स्टार्ट करती है। एंड लास्ट में हम देखते हैं कि विंटर सीजन में तकाओ पार्क में रिविजिट करता है एंड युकिनो की तरफ से आए लेटर्स को पढ़ने लगता है और जाने से पहले उसका फिनिश शू बेंच में रखते हुए कसम खाता है कि वो उसे ढूंढेगा जब वो अपने करियर में ग्रो कर लेगा। एंड इसी के साथ हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।